नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। भागवत कथा में हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। जी हां, विदिशा के लटेरी ग्राम कालादेव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कथा सुनने के लिए आसपास के ग्रामों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर कथा का आनंद उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कथा का आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी तक किया जा रहा है। 23 फरवरी को प्रसाद वितरण के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इस दौरान कथावाचक पंडित रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जीवन परमात्मा की देन है, यह जीवन एक बार ही मिलता है, आपको ज्ञान तपस्या सीखना चाहिए। कार्यक्रम में आसपास के गांव आनंदपुर, कालादेव, बापचा, जावती सहित अन्य गांवों से भी लोग पहुंचकर भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। विदिशा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता एनएन चौबे की एक रिपोर्ट। लागी नहीं ऐसा कहकर जब कुछ नहीं बचा तो अंतिम हो गई। जन की वृष्टि होने के बाद 12 वर्षों का जो अन्न धन जो पड़े का बेच कर और यमुना की अवधि बंद करवा दी, अनुष्ठान करवाना बंद कर दिया, कुटी को अधिक अत्याचार होने लगा।